Hi guys, myself Vishnu Sharma and I'm welcoming you all on behalf of Sharma's Fabric that is an exclusive showroom of Raymond. So, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में कि ब्लेजर्स गाइस ब्लेजर्स के लिए कौन सा कपड़ा बेस्ट रहेगा और सभी को पता है कि अभी विंटर सीजन है हमारे इंडिया में तो हम लोगों को ब्लेजर्स के लिए बहुत डिमांड रहेगी तो आज हम आपको ब्लेजर्स के बारे में बताएंगे ब्लेजर्स में कौन सा बेस्ट कपड़ा रहेगा और जो हम कॉम्बिनेशन दिखाएंगे आप हम लोगों को व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और हमारे शोरूम पे विजिट भी कर सकते हैं। हमारा शोरूम जो है ये एमआई रोड जयपुर राजस्थान में है। इसका जो एड्रेस होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं जो हम कलर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लीज आप आए हमारे साथ हैं राम जी हमेशा की तरह। तो राम जी प्लीज आप दिखाएं हमारा पहला जो है ब्लेजर के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं रेमंड में है और सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये ट्वीड है जो ब्लेजर्स में रहता है, ये देखिए आप प्योर न्यू वूल है। ये 100% जो वूल होता है वो वूल का फैब्रिक यूज होता है। ये ओनली विंटर्स में काम आता है और विंटर्स के ब्लेजर के लिए। पर गाइस ये देख सकते हैं ये 130s में है, इसमें मेरीनो वूल है और कश्मीर वूल है। तो गाइस मैंने बता दिया ये प्योर वूल है, ट्वीड का कपड़ा हम यूज करते हैं ऑलवेज विंटर्स के जो ब्लेजर होते हैं उसके लिए। और ये प्योर न्यू वूल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें सूट्स के लिए कौन सा कपड़ा यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा पुराना वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। तो अब राम जी हमें कुछ दूसरा दिखा रहे हैं, ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छी चीज है, ये भी रेमंड का रहेगा वूलन में बहुत अच्छा। ये वूल में है, ट्वीड का कपड़ा है, बहुत ही अच्छी चीज है। कलर मिल जाएंगे इसमें, चेक्स वगैरह हम देखना चाहो तो चेक्स वगैरह चेक्स में भी देख सकते हैं। ये देखिए तो चेक्स का जो ब्लेजर होता है, मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, चेक्स का ब्लेजर के बेनिफिट ये होते हैं कि हम किसी भी कॉम्बिनेशन पे इसको वेयर कर सकते हैं। इसमें हमें कॉम्बिनेशन सेट करने की जरूरत नहीं है कि नीचे पैंट कौन सा पहनना है, नीचे शर्ट कौन सी पहननी है, कोई सा भी आप पहन सकते हैं। अब ये देखिए कुछ कलर्स और दिखाए हैं, ये लेंथ ये वाला भी ब्लेजर बहुत ही अच्छा रहने वाला है गाइस, देख सकते हैं आप इसको बहुत ही प्यारा है। ये प्योर वूल में है, इसकी क्वालिटी में बता दूं ये प्योर वूल में है, बहुत ही अच्छी चीज है। और ये देखिए ये हेरिंग बोन डिजाइन है, बहुत ज्यादा चलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका टेक्सचर जो है ये जो डिजाइन है ब्लेजर्स में ये आप दिखा दें, मैं एक बार दिखा भी दूं अपने व्यूअर्स को। ये देखिए गाइस बहुत ज्यादा चलता है ब्लेजर्स में, बहुत ही प्यारी चीज है और ये प्योर न्यू वूल में है, मतलब 100% वूल में है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मरीनो वूल में और कश्मीर वूल में, ऑस्ट्रेलियन वूल में और वर्जिन वूल में क्या क्या डिफरेंस रहता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम ब्लेजर्स का कपड़ा दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव जो कोट लेंथ आती है खाली, इसका जो कपड़ा है 2B का कपड़ा है, 2.2 meters का है, ये एक्सक्लूसिव रेमंड में आता है, बहुत ही अच्छी चीज है और इसका ब्लेजर भी बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो गाइस ये सारी चीजें आप हम लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसके कलर्स राम जी दिखाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जूम करके इनका जो शेड आ रहा है वो पूरा अच्छे से दिखा दें। ये देखिए ये भी बहुत चलता है, बहुत ही ज्यादा चलने वाली चीजें हमने आप लोगों को दिखाई है, लेटेस्ट चीजें हमने आपको दिखाई है। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव रेमंड का है, ट्वीड का कपड़ा है, ब्लेजर्स में ही काम आता है, विंटर्स के लिए ही काम आता है गाइस। तो आपको अगर विंटर्स के लिए ब्लेजर चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी चीज है कॉम्बिनेशन। और ये कुछ चेक्स में है, ये भी देख सकते हैं, तो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि विंटर्स के लिए हमें ऑलवेज प्योर वूल 100% प्योर वूल में जाना चाहिए। और प्योर वूल में भी इसका जो स्टफ होता है वो मोटा होता है, इस कपड़े को जो हम बोलते हैं इसे ट्वीड बोला जाता है, ट्वीड का जो कपड़ा होता है वो प्योरली ब्लेजर्स में काम आता है, या तो हम इसका ब्लेजर बना सकते हैं या जैकेट भी बना सकते हैं। तो ये सारे शेड्स आप देख सकते हैं, एक बार देखिए सारे शेड है, आप इन्हें हम लोगों से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं
और वहां जाके हम आपके एड्रेस में सेंड कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ राम जी एक दो शेड और दिखा दीजिए आप, ताकि देखिए अच्छे देखिए से व्यूअर्स को ये देखिए। देखिए, और जैसे अभी सर्दी के हिसाब से अगर बहुत अच्छा रहेगा ये, ये शेड भी बहुत ये चलने वाला है, बहुत लाइट वेट है, लाइट वेट में है, लाइट बहुत वेट का अच्छे वुल हैं। है, बहुत अच्छी चीज है। इसमें ये भी देख सकते हो, ये चेक करिए, सारे ट्वीड जो हैं ये ट्वीड में भी काउंट्स में है। है, अभी जो सर्दी काउंट्स के जो हिसाब से ये थ्रेड सारा है। काउंट है, थ्रेड काउंट का भी आप हमने जैसे कहीं वीडियो टूर पे बना जाओ, रखा है। इसमें जैसे बाहर जाओ तो वहां पहनने के लिए बहुत ये अच्छा है। देखिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों ये को माइनस डिग्री में भी काम करता है, ये बहुत अच्छा है। यस, अगर जहां पे भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम विंटर में भी ये ये देखिए वाली आप, चीजें आपके काम आने वाली है, बहुत अच्छी चीजें हैं। ये देख सकते हैं रेमंड का बहुत प्यारा कलेक्शन है गाइस, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं हम लोगों को। और ऑलवेज आप प्योर वुल जो है प्योर वुल में जाए, और किसी को अगर एक्सपेंसिव ब्लेजर में जाना है तो हायर थ्रेड काउंट में जाओ, ट्वीड में भी हायर थ्रेड काउंट आते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने जो बताया था 130 काउंट का है ये वाला, जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया है आपको, तो ये वाला गाइस ये 130 काउंट में थ्रेड काउंट है, मतलब वुल तो है ये, पर ऐसा मोटा और रफ वुल नहीं है, बहुत फाइन चीज का वुल है, बहुत अच्छा वॉर्म रहेगा और बहुत अच्छा लस्टर आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि थ्रेड काउंट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो फाइननेस का रहता है मतलब। तो ये सारी चीजें थी, आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूले, चैनल हमारा नया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहें। और लास्ट में थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।